हेलो स्टूडेंट्स वेलकम अगेन टू आवर चैनल और इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशंस ऑफ कार्बोकेटाइन दैट मींस कि कार्बोकेटाइन को किस बेसिस पे और कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है ये अपन बात करने वाले हैं सो बेसिकली अपन सिक्स टाइप्स के कार्बोकेटाइन देखेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन प्राइमरी कार्बोकेटाइन सेकेंडरी टर्सरी कार्बोकेटाइन देन एलाइल एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन की भी अपन बात करने वाले हैं एंड देन जो सिक्स है दैट इज़ बेंजाइल एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइंस सो गैस ये जो कार्बोकेटाइंस अपन देख रहे हैं ये बेसिकली आपको कब हेल्पफुल होंगे इनको जानना सो so जैसे अपने एग्जाम में अगर आप आई टी जे ई नीट की प्रिपेशन कर रहे हैं तो अपने एग्ज़ाम में कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं सो so, अगर कार्बोकेटाइंस की स्टेबिलिटी को बहुत अच्छे से समझना है तो अपने को कार्बोकेटाइंस का क्लासिफिकेशन पता होना चाहिए अपने को आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि जो कार्बोकेटाइन की के अपन बात करने वाले हैं वो कार्बोकेटाइन किस टाइप के कार्बोकेटाइन सो so, सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो कार्बोकेटाइंस का अपन क्लासीफिकेशन कर रहे हैं वो किस बेसिस पे कर रहे हैं अपना किस क्या रेफरेंस होगा कार्बोकेटाइंस को क्लासीफाई uh, करने का ये अपने को सबसे पहले जानना है सो so, जैसे आपको पता है कि कार्बोकेटाइन क्या होंगे ऐसे स्पीसीज या फिर ऐसे मोलिक्यूल्स जिनमें कार्बन हो और उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो उनको अपन बोलेंगे कार्बोकेटाइन और अपन क्लियरली देख सकते हैं कि कार्बोकेट कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा तो कार्बन अपनी वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए कितने कोवलेंट बॉन्ड बना रहा होगा तीन कोवलेंट बॉन्ड इसके पास होंगे प्लस एक इसके पास पॉजिटिव चार्ज होगा अब अपना जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है वो ये कि जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है उसके इराउ में उसके सराउंडिंग में किस टाइप के एटम्स हैं या फिर किस टाइप के ग्रुप्स हैं जिनसे अपना जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो जुड़ा हुआ है इस बेसिस पे अपन ये क्लासिफिकेशन करने वाले हैं सो so, सबसे पहले अपना जो क्लासिफिकेशन है फर्स्ट वाला उसमें अपन मिथाइल कार्बोकेटाइन की बात करने वाले हैं सो so, मिथाइल कार्बोकेटाइन क्या होंगे वो कार्बोकेटाइन स्पीसीज जिनमें सी 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 प्लस बॉन्ड ना हो राइट सो so, कार्बोकेटाइन होना चाहिए नो डाउट एंड देन अपने को चेक करना है अगर उस कार्बोकेटाइन में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है अगर वो किसी भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है तब अपन उसको बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन इसका अपन एग्जाम्पल देखते हैं ये वाले जो फर्स्ट एग्जाम्पल है इसमें सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि ये कार्बोकेटाइन तो है या फिर नहीं तो अपन ने देखा कि कार्बन के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज पॉजिटिव चार्ज है दैट मीन्स ये कार्बोकेटाइन तो है अब ये देखते हैं कि जो कार्बन है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो डायरेक्टली अटैच्ड कौन से आइटम्स है सो so, इधर गए तो देखा कि यहाँ पे हाइड्रोजन एटम अटैच है इधर भी एक और हाइड्रोजन ऐटम अटैच्ड है और इधर भी दैट मीन्स पॉजिटिवली चार्ज कार्बन कोई भी कार्बन से डायरेक्टली अटैच नहीं है और यही कंडीशन है कि इसको अपन बोलेंगे मिथाइल कार्बोकेटाइन वन मोर एग्जाम्पल इस एग्जाम्पल को आप खुद आइडेंटिफाई करें कि क्या ये मिथाइल कार्बोकेटाइन है या फिर नहीं तो उसके लिए अपन ने क्या किया कि पॉजिटिवली चार्ज कार्बन को देखा और देखा कि एक साइड ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है एक साइड ये डायरेक्टली अटैच किस से है ऑक्सीजन से और एक और साइड ये डायरेक्टली अटैच किस से है हाइड्रोजन से दैट मीन्स इस कार्बोकेटाइन में भी सी पॉजिटिव सी बॉन्ड नहीं है अगेन दिस इज मिथाइल कार्बोकेटाइन ऐसे ही आप इसमें भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं एक साइड देखेंगे तो हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक और साइड देखेंगे तो नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है एक और साइड देखेंगे तो वो हाइड्रोजन से जुड़ा दैट मीन्स सी प्लस और सी बॉन्ड नहीं है सो so, ये वाला कार्बोकेटाइन भी हो गया मिथाइल कार्बोकेटाइन आई थिंक ये काफ़ी ईजी होगा आपको समझना तो अपन नेक्स्ट टाइप के कार्बोकेटाइन पे आते हैं विच इज़ नोन एज ए प्राइमरी कार्बोकेटाइन और एक और बात याद रखें कि जो प्राइमरी कार्बोकेटाइन होते हैं उनको अपन वन डिग्री उनको अपन वन डिग्री कार्बोकेटाइन भी बोलते हैं सो प्राइमरी कार्बोकेटाइन क्या होंगे जिनमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तब अपन उसको क्या बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन दैट मीन्स इसमें एक सी प्लस और सी बॉन्ड होना चाहिए और यहाँ पे अपन ने क्लियर लिखा भी है कि इट हैज़ वन कार्बन बॉन्डेड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन ओके सो अपना जो कॉन्सेप्ट अभी अपन ने जो सीखा है उसको अपन अप्लाई करते हैं इस वाले क्वेश्चन में सो so, यहाँ पे सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ये अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है एक साइड ये हाइड्रोजन से अटैच्ड है एक और साइड ये हाइड्रोजन से अटैच है बट एक तरफ ये कार्बन से डायरेक्टली अटैच है राइट ये जो दो हाइड्रोजन हैं, वो तो इस कार्बन के हाइड्रोजन हैं और ये वाला जो कार्बन है वो अपने पॉजिटिव चार्ज कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है दैट मींस ओनली वन कार्बन इज डायरेक्टली अटैच्ड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सो इसको अपन बोलेंगे प्राइमरी कार्बोकेटाइन या फिर इसको अपन बोल सकते हैं वन डिग्री कार्बोकेटाइन अगर नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें इस एग्जाम्पल में भी पॉजिटिवली चार्ज कार्बन सिर्फ एक कार्बन से ही डायरेक्टली अटैच है अगेन दिस विल बी वन डिग्री कार्बोकेटाइन या फिर इसको अपन बोल सकते हैं प्राइमरी कार्बोकेटाइन नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करते हैं इसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन एक ही कार्बन से डायरेक्टली अटैच अगेन इसको अपन क्या बोलेंगे दिस इज ऑल्सो वन डिग्री कार्बोकेटाइन अब अपन चलते हैं सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में तो आई थिंक ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि प्राइमरी सेकेंडरी एंड देन नेक्स्ट अपन देखने वाले टर्सरी वो किस बेसिस पे किया गया है तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन क्या होंगे जिनमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन कितने कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच हो तब उसको अपन बोलेंगे सेकेंडरी कार्बोकेटाइन या फिर इसको अपन बोल सकते हैं टू डिग्री टू डिग्री कार्बोकेटाइन सो इसका डेफिनेशन लिखा हुआ इट हैज टू कार्बन बॉन्डेड टू पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इसको चेक करते हैं ये अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है एक साइड हाइड्रोजन से अटैच्ड है एक साइड ये कार्बन से अटैच्ड है और एक और साइड ये कार्बन से अटैच्ड है दैट मीन्स ये हो गया अपना टू डिग्री कार्बोकैटाइन इसमें भी अपन चेक करते हैं तो ये अपना जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो इस वाली साइड से और इस वाली साइड से दो कार्बन से डायरेक्टली अटैच्ड है यहाँ हाइड्रोजन है सो अगेन इसको अपन क्या बोलने वाले हैं टू तो डिग्री कार्बोकेटाइन और आई थिंक अब बहुत आसान हो गया आपके लिए पहचानना कि टू तो डिग्री कार्बोकेटाइन क्या होते हैं ये अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है ये दो साइड से ये दो साइड से कार्बन से डायरेक्टली है एक तो इस वाले कार्बन से और एक इस वाले कार्बन से तो अगेन ये भी क्या होने वाला है टू डिग्री या फिर सेकेंडरी कार्बोकेटाइन अब अगर अपन बात करें फोर्थ वाले क्लासिफिकेशन की विच इज टर्सरी कार्बोकेटाइन ऑल्सो नोन एज थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन ऑल राइट सो इसके पास क्या होने चाहिए पॉजिटिवली चार्ज कार्बन तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच होना चाहिए तो उसको अपन बोलेंगे टर्सरी कार्बोकेटाइन यहां पे देखते हैं तो एक कार्बन से डायरेक्टली अटैस्ड है एक और कार्बन से डायरेक्टली अटैस्ड है एंड देन एक और कार्बन से डायरेक्टली अटैस्ट है दैट मीन दिस इज थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन इस एग्जाम्पल में अगर देखेंगे तो क्लियरली अब आइडेंटिफाई आप कर पा रहे हैं कि तीन साइड से कार्बन से डायरेक्टली अटैस्ड है दिस विल बी थ्री डिग्री कार्बोकेटाइन एंड देन नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं तो ये अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बोकेटाइन आइडेंटिफाई हुआ ये तीनों साइड से ये तीनों साइड से तीन कार्बन से डायरेक्टली अटैच है अगेन दिस इज थ्री डिग्री अब आप सोच रहे होंगे कि अगर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो चार कार्बन से डायरेक्टली अटैच होगा तो इसको अपन क्या बोलेंगे फोर डिग्री बट आप ये सोचें कि क्या ये पॉसिबल है कार्बन की वैलेंसी फोर होती है कार्बन ने फोर बॉन्ड बना लिए एंड देन उसके पास एक पॉजिटिव चार्ज भी है दैट इज नॉट पॉसिबल और राइट सो फोर डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं आपको मिलने वाला है आई थिंक ये कन्फ्यूजन भी आपका दूर हुआ होगा अगर आपके दिमाग में आया है तो अब अपन दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं जो काफी डिस्कशंस में यूज होते हैं तो आपको ये वर्ड नहीं भूलने चाहिए एक तो अलाइल और एक अलाइलिक कार्बोकेटाइन सो अलाइल कार्बोकेट क्या होते हैं जब अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन पॉजिटिवली चार्ज कार्बन दो हाइड्रोजन से अटैच हो दो हाइड्रोजन से अटैच हो इसके अलावा वो एक विनाइल ग्रुप से भी अटैच्ड हो सो so गाइज ये जो सी एच टू डबल बॉन्ड सी एच एंड देन दिस ये वाला जो ग्रुप होता है ये वाला जो ग्रुप होता है इसको अपन बोलते हैं विनाइल ग्रुप इसको अपन बोलते हैं विनाइल ग्रुप ओके सो so, अगर अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन जिसके अपन बात कर रहे हैं वो दो साइड से हाइड्रोजन से अटैच हो और एक साइड से वो एक विनाइल ग्रुप से अटैच हो ओके सो so, ये अपना विनाइल ग्रुप हो गया और ये दो हाइड्रोजन हो गए ऐसे so, कार्बोकेटाइन को क्या बोला जाएगा ऐसे कार्बोकेटाइन को अपन बोलेंगे अलाइल कार्बोकेटाइन ओके okay? अब अगर इस एग्जाम्पल में इस नेक्स्ट एग्जाम्पल में चेक करेंगे तो ये देखो अपना कार्बोकेटाइन है जो एक साइड किस से जुड़ा हुआ है विनाइल ग्रुप से लेकिन इसके पास क्या दो हाइड्रोजन है नहीं इसके पास एक ही हाइड्रोजन है और एक ही क्या है ये एक एल्काइल ग्रुप है दिस इज एल्काइल ग्रुप अपनी कंडीशन क्या है अलाइल कार्बोकेटाइन होने की कि वो दो हाइड्रोजन से जुड़ा होना चाहिए और एक उसके पास विनाइल ग्रुप होना चाहिए बट इधर इस एग्जाम्पल में इसके पास दो हाइड्रोजन है ही नहीं विनाइल ग्रुप है बट दो हाइड्रोजन नहीं है इसलिए ये कार्बोकेटाइन अलाइल कार्बोकेटाइन होने की बजाय ये होगा अलाइलिक कार्बोकेटाइन ओके बहुत ही थोड़ा सा डिफरेंस है तो ये वर्ड आपको याद रखना चाहिए दिस इज अलाइलिक कार्बोकेटाइन ओके और एक और एग्जाम्पल नेक्स्ट देखते हैं और क्या कार्बोकेटाइन के पास दो हाइड्रोजन है जो अपना पॉजिटिवली चार्ज कार्बन था दो हाइड्रोजन नहीं है ये तो एल्काइल ग्रुप है इसलिए क्या ये अलाइल कार्बोकेटाइन होगा नो no. दिस विल बी अगेन अलाइलिक कार्बोकेटाइन सो so, आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए कि अलाइल कार्बोकेटाइन वो होंगे अलाइल कार्बोकेटाइन वो होंगे जिनके पास में जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो दो हाइड्रोजन से अटैस्ड हो और एक विनाइल ग्रुप से अटैस्ड हो अगर ऐसा नहीं हुआ विनाइल ग्रुप हुआ बट हाइड्रोजन दो नहीं हुए तो इनको अपन बोलेंगे अलाइलिक कार्बोकेटाइन सो क्या ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट था इस पॉइंट को हमेशा याद रखें नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे आते हैं एंड दिस इज बेंजाइल एंड बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सो आपको ये फील आ रही होगी कि जो अपन ने ऊपर वाला क्लासिफिकेशन पढ़ा है यहां पर भी कुछ वैसा ही होने वाला है सो so, ये जो बेंजाइल कार्बोकेटाइन होते हैं ये क्या होते हैं ये वो कार्बोकेटाइन होते हैं जिसमें जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो दो हाइड्रोजन से अटैच हो इसके अलावा ये एक फिनाइल ग्रुप से भी अटैच होना चाहिए और फिनाइल ग्रुप क्या होता है जिसमें बेंजीन रिंग होती है जो कि एक बॉन्ड से अटैच्ड है अपने कार्बोकेटाइन से और ये वाला जो ग्रुप है ये वाला जो ग्रुप है इसको अपन बोल रहे हैं फिनाइल ग्रुप ओके इसको अपन फिनाइल ग्रुप बोल सकते हैं या फिर बेंजीन रिंग बोल सकते हैं तो बेंजीन रिंग से कार्बोकेटाइन डायरेक्टली अटैच और दो इसके पास में हाइड्रोजन है तो इसको अपन बोलेंगे बेंजाइल कार्बोकेटाइन लेकिन अगर दो हाइड्रोजन नहीं हुए और फिनाइल रिंग हुई तो इसको अपन क्या बोलेंगे बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन फॉर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल आप चेक करें सो so, अपना कार्बोकेटाइन है एक साइड ये किससे जुड़ा हुआ है फिनाइल रिंग से विच इज वेरी गुड बट क्या इसके पास दो हाइड्रोजन है एक हाइड्रोजन है एक ये क्या है एल्काइल ग्रुप है सो so, दिस इज नॉट बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन वन मोर एग्जाम्पल ये वाला एग्जाम्पल देखें तो कार्बोकेटाइन है फिनाइल रिंग से अटैच है बट ये वाले क्या दो हाइड्रोजन हैं नो no, ये कोई भी दो एल्काइल ग्रुप हो सकते हैं सो अगेन दिस इज नॉट बेंजाइल कार्बोकेटाइन दिस इज बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन सो गाइज अपना जो इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है असल में वो यहाँ पे खत्म हो चुका है लेकिन फिर भी कभी कभी तीन कार्बोकेटाइन आपके सामने और भी आएंगे जिनको पहचानना बहुत जरूरी है सो so, ये कॉमन नेम अपन बात कर रहे हैं कार्बोकेटाइन तीन टाइप के जिनको आपको याद रखना है एक तो वो है एल्काइल कार्बोकेटाइन एक विनाइल कार्बोकेटाइन एंड देन एक होगा एसीटाइलिनिक कार्बोकेटाइन सो so, एल्काइल कार्बोकेटाइन क्या होंगे एलकाइल कार्बोकेटाइन वो होंगे जिसमें पॉजिटिवली चार्ज कार्बन तीन सिंगल से अटैच हो तीन सिंगल बॉन्ड से अटैच हो तो तीन सिंगल बॉन्ड से अगर ये अटैच होगा तो इसको अपन बोलेंगे एल्काइल कार्बोकेटाइन लेकिन अगर अपना जो कार्बोकेटाइन का पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है अगर वो एक डबल बॉन्ड से अटैच है अगर वो एक डबल बॉन्ड से अटैच है तो इसको अपन बोल रहे हैं विनाइल कार्बोकेटाइन आपको याद होना चाहिए कि जो विनाइल ग्रुप आया था तोड़ दे पहले तो उसको अपन ने क्या बोला था ये सी एच टू एंड देन इस ग्रुप को अपन ने विनाइल ग्रुप बोला था सो so, ऐसा ही सिमिलर कॉन्सेप्ट भी इधर है कि अगर कार्बोकेटाइन का जो पॉजिटिव चार्ज कार्बन है वो अगर एक डबल बॉन्ड से अटैच्ड होता है तो उस कार्बोकेटाइन को अपन क्या बोल सकते हैं इसको अपन विनाइल कार्बोकेटाइन भी बोल सकते हैं सो एग्जाम में आपको सीधा ये पूछा जा सकता है कि विनाइल एल्काइल या एसिटाइलनिक कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी बताएं तो आपको पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली विनाइल एल्काइल और एसिटाइलनिक कार्बोकेटाइन होते क्या हैं अब अगर आपको ये जो डिस्कशन था वो समझ में आ गया होगा तो आपको ये भी समझ में आ रहा होगा कि इधर जो पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है वो कितने बॉन्ड से डायरेक्टली अटैच्ड है वो ट्रिपल बॉन्ड से तीन बॉन्ड से नहीं ये ट्रिपल बॉन्ड है ऊपर ये अपना डबल बॉन्ड था ये सिंगल बॉन्ड से अटैच है सो ट्रिपल बॉन्ड से अटैच्ड कार्बोकेटाइन को अपन बोलेंगे एसिटाइलिनिक कार्बोकेटाइन डबल बॉन्ड से अटैच को विनाइल कार्बोकेटाइन और सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो उनको एल्काइल कार्बोकेटाइन तो क्या इस जितने टाइप के पॉसिबल कार्बोकेटाइन हो सकते हैं अपन ने सभी डिस्कस कर लिए हैं आपको ये कॉन्सेप्चुअली बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा इस पर मुझे डाउट नहीं है लेकिन जो भी अपन ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो सब आपको याद रखना पड़ेगा ये याद रखने वाली चीज़ें हैं इनको भूला नहीं जा सकता अदरवाइज़ कुछ कुछ अपन बोल सकते हैं सीली मिस्टेक्स एग्ज़ाम में सिंपल सिंपल क्वेश्चंस में हो सकती हैं इसलिए आई सजेस्ट कि दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर रिगार्डिंग कार्बोकेटाइन इनके क्लासिफिकेशन इनके टाइप्स के बारे में जानकारी होनी बहुत बहुत ज़रूरी है ताकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो रिएक्शन मैकेनिज़्म वाला पार्ट है या फिर जहाँ पे अपन स्टेबिलिटी ऑफ स्पीसीज चेक करते हैं वहाँ पे अपन इन कार्बोकेटाइनस को यूज़ करके अपने कॉन्सेप्ट को अच्छे से याद रख पाएँ अच्छे से स्टडी कर पाएँ सो गाइज दिस इज़ इट इन दिस वीडियो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं आई एल सी यू लेटर थैंक यू वेरी मच